पल्लवी, 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 हे भगवान, पल्लवी, पानी, पानी ला, पानी, पल्लवी बेटे पानी, पल्लव, पल्लव, पता नहीं कैसे लोग हैं, रात और बहू को घर के बाहर रखे हैं और खुद घर के अंदर सो रहे हैं। कब से दरवाजा खटखटा रहा हूँ, कोई खोल ही नहीं रहा है। अवस्थी जी, अवस्थी जी, दरवाजा खोलिए। अवस्थी जी, अवस्थी जी, अवस्थी जी, अरे उठिए अवस्थी जी, खोलिए दरवाजा। उठिए अवस्थी जी, अरे कितनी देर से सो रहे हैं। कुसुम, क्या हुआ? उठो तो। क्या हुआ? बाहर से शोर कैसा आ रहा है यार? अवस्थी जी, कोई हमारा नाम ले रहा है क्या? अवस्थी जी, दरवाजा खोलिए। क्या आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे कि मेरी बेटी आपके दरवाजे के चौखट पर क्या कर रही थी? क्या आपने उससे सारी रात यहां मरने के लिए छोड़ा था? ठंड में ठिठोर रही थी मेरी बेटी यहां, आप लोग अंदर सो रहे थे आराम से। अरे तेरी ये भी बवाल निकली, घर ही नहीं गई सारी रात। क्या कोई मुझे बता सकता है कि मेरी बेटी आप लोग के दरवाजे के चौखट पर रात भर ठंड में क्यों पड़ी हुई थी? पापा, पल्लवी, अरे पानी, पानी पिलाओ। संध्या, गर्म पानी लाओ जल्दी। हाँ। पानी पियो बेटे। आप यहाँ? और नहीं तो क्या, मैं यहाँ नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ तो और कौन रहेगा? या तो किसी को पड़ी नहीं है तुम्हारी? दीदी, हमने तो सोचा था ये लड़की वापस अपने बाप के घर चली जाएगी, मगर ये तो यहीं रुकी रही, और अब तो पूरे मोहल्ले को पता चल गया कि आपने उसे घर के अंदर घुसने नहीं दिया, और से इसका बाप भी यहाँ आ गया। बताइए भाई, हिंदी में पूछा है मैंने सवाल, मेरी बेटी आपके दरवाजे के बाहर रात भर ठंड में क्यों पड़ी हुई थी? पापा, प्लीज, आप शांत हो जाइए। हमें पता नहीं था पल्लवी बाहर है, हम सब अभी सो के उठे। मामी जी, पापा, वो दरवाजा बंद था तो मैं इसलिए बाहर रह गई। तुम कुछ मत बोलो, दरवाजा बंद था, ये कोई बात हुई? डोरबेल नहीं बजाई थी तुमने? अंकल जी, अभी मैंने चेक किया, वो शायद रात में किसी से बंद हो गई थी। पापा, प्लीज आप शांत हो जाइए। अरे मैं कैसे शांत हो जाऊं बेटे, कैसे शांत हो जाऊं? अरे निमोनिया हो जाता तुम, कुछ हो जाता था तुम, पर यहाँ किसी को कोई फर्क ही नहीं पाया, आकाश को भी नहीं। लड़ने की आवाज कहाँ से आ रही है सुबह सुबह? मुझे आकाश से बात करनी है। आकाश, आकाश कहाँ हो तुम? बाहर निकलो। आकाश, आकाश, ये तो पापा जी की आवाज है। आकाश, पापा जी, क्या हुआ? खाट पल्ले भी, what happened? बेहोश थी वो, छू कर तो देखो, इसका बदन ना भट्टी की तरह गर्म है, और जानते हो क्यों? क्योंकि इस घर में किसी को पड़ी नहीं थी कि पल्लवी रात भर कहां गई थी, किसी ने जानने तक की कोशिश नहीं की, ना परिवार वालों ने और ना तुमने आकाश, कि इस दिन के लिए मैंने दिया था पल्लव का हाथ तुम्हारे हाथ में, बेचारी पड़ी रही थी पूरी रात तुम्हारे घर के चौखट पर ठंड में, कांप रही थी वो, कितना दरवाजा खटखटाया होगा उसने और किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। पापा, आई एम रियली सॉरी, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था, मैं पेन किलर खा के सो गया था, पता ही नहीं चला आग कब लग गई। पल्लवी, आई एम रियली वेरी सॉरी, आई
I genuinely had no idea कि तुम ऐसे बाहर। तो तुमने पेन किलर खाई थी और बाकी सब? बाकी सब भी पेन किलर खा के सो गए थे। जयदेव जी कुछ गलतफहमी हुई है आपको, आप प्लीज शांत हो जाइए। ना सुरेश जी, कोई गलतफहमी नहीं हुई है। कई दिनों से देखते आ रहा हूं, ये आज की बात नहीं है। अरे मेरी बेटी चहकती थी मैंने की तरह, दो दिन में ये हाल हो गया उसका। मुझे लगा कि ये 15-15 दिन वाली शर्त की बात से ये परेशान होगी, लेकिन यहां बात ही कुछ और चल रही है। यहां पर ना आप लोगों ने सारी हदें पार कर दी है। एक मिनट भाई साहब, आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे हमने जानबूझकर डोरबेल बंद कर दी और आपकी बेटी को रात भर बाहर रखा। वैसे आपके जानकारी के लिए बता दें, हमें पता भी नहीं था कि वो आपसे मिलने आई है, तो हमें ये कैसे पता होता कि वो लेट आएगी, बताइए। तुमने सुबह वो बैलेंस करने वाली बात बोली थी ना, वो मुझे अच्छी लगी और इसलिए मैंने पापा के पास जाने का फैसला किया। मैं ना आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी। आकाश झूठ मत बोलना प्लीज, सच बता देना। मैं आके ना मम्मी जी को सॉरी बोल दूंगी। क्या कह रही है आप? ना बताए पल्लवी मुझसे मिलने आई थी। Wow, it's so beautiful. अरे तन्नू, ये मेरा बटन टूट गया है ऐसे। Oops. Oops. चानू, तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? Actually, मेरे कमरे में पानी नहीं आ रहा था तो आंटी ने बोला कि यहाँ आके। सॉरी तन्नू, एक्चुअली इस लफंगे को ना शादीशुदा देखने की आदत नहीं है मुझे। तन्नू प्लीज ये बटन। कैसा है रे? Why you bothering her? वो काम कर रही है ना? लाओ मुझे दो, मैं लगा देती हूँ। एक ही सेकंड लगेगा। अच्छा, तुझे ये बटन लगाना आता है? Really? मुझे लगता है तुम भूल गए हो शायद। कॉलेज में ये सब मैं ही किया करती थी। जब भी इसे कभी डेट पे जाना होता था ना, सबसे पहले मेरे पास आता था। जानू ये देखो ना, ये बटन टूट गया, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया और अब बीवी के सामने स्मार्ट बन रहा है। तो क्या पिटवाना चाहती है मुझे? मुझे सुई धागा दो। You do your work. I'll handle him. अरे नहीं नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी ना, और मैं आपके लिए ना नहाने का गर्म पानी भी रख देती हूँ, आप उसी से नहा लेना। So sweet of you. You are the best. घोचू प्रसाद, सीखो अपनी बीवी से कुछ। हाँ ठीक है ठीक है, अब तू जल्दी जल्दी नहाने जा, तेरे लिए गर्म पानी भिजवा रहे हैं। Okay, see you. Bye. तनु ये एकदम पागल है, आफत है आफत, इसको छोड़ दो। अब बटन हुई ना बात। I love you. बिना बताए वो मुझसे मिलने क्यों आएगी? चाची चाची, पल्लवी बिना बताए नहीं गई थी, बताया था उसने मुझे, मेरी गलती। कब तक इसकी गलतियां छुपाएगा आकाश? और ये झूठ बोलना कहां से सीखा तूने? मैंने तो नहीं सिखाया। इसने सिखाया क्या? नहीं माँ, पल्लवी ने मुझे कोई झूठ बोलना नहीं सिखाया है। इनफैक्ट उसने मुझे बताया था कि मैं आप सबको बता दूं, लेकिन कैसे बताता? घर पे आया, आप सब इतने परेशान थे, ऑलरेडी इतना अपसेट थे कि मुझे लगा कि बताऊंगा तो कहीं और परेशान ना हो जाओ, बस इसलिए नहीं बताया। तो गलती मेरी है, उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला मेरी आंख कब लग गई। रुको रुको रुको, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल तो वैसे ही पग फेरा था, पल्लवी को तो वैसे ही आना था घर पर। पल्लवी को पग फेरे पे आने से किसी को क्या परेशानी हो सकती है? मतलब मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा। सुरेश जी, आपसे कल बात तो हुई थी ना? जी। आपने कहा भी था कि पल्लवी आ रही है, तो फिर ये क्या चल रहा है यहाँ पर, कोई मुझे समझाएगा?
पापा, पापा मैं ठीक हूँ, आप घर जाइए आराम करिए। नहीं आराम तो मैं करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली यह हो क्या रहा है। कुछ नहीं हो रहा है पापा, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, मैंने आकाश को बताया था, वो कन्वे करना भूल गया होगा, इतनी सी बात है बस और कुछ नहीं है। ये इतनी सी बात नहीं है, मुझे दिख भी रहा है और मैं समझ भी रहा हूँ। मैं सच जानना चाहता हूँ पल्लवी, कोई मुझे बताएगा प्लीज? वो क्या बताएगी, मैं बताती हूँ आपको। सच सुनना अच्छी बात है, सच बोलना अच्छी बात है, लेकिन झूठ बोलने की आदत को बदलना होगा। जो दीमक की तरह इस घर में फैल रही है, मैंने मना किया था पल्लवी को आपसे मिलने के लिए, जयदेव जी आपको 15-15 दिन वाली शर्त तो याद होगी ना? 15 दिन आपकी बेटी पल्लवी यहां रहेगी, 15 दिन आपकी बेटी पल्लवी और मेरा बेटा आकाश आपके घर में रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी बेटी की सहूलियत इसी में थी, तो सारी रस्मों रवायतों को ताक पे रखकर नए रूल्स बनाए गए। तो एक रूल मैंने भी बना दिया, अब जब शादी हो गई है तो थोड़ा हक तो हम बड़ों का भी होना चाहिए ना। तो मेरी शर्त ये थी कि जब तक पल्लवी इस घर में रहेगी, हमारे हिस्से के 15 दिन वो ना आपसे बात करेगी और ना ही आपसे मिलेगी। इतना चौंकिए मत, क्या गलत किया मैंने? अब 30 दिन का बहू का फर्ज 15 दिन में निभाना है तो पूरा ध्यान ससुराल में होना चाहिए ना। लेकिन आपकी बेटी ने वो शर्त तोड़ दी, मेरे मना करने के बाद भी वो आपसे मिलने गई। समझ सकता हूं, इसलिए जब मुझे चोट लगी थी तुम मुझसे मिल नहीं पाई। इसने शायद आज तक आपकी बात नहीं टाली जयदेव जी, ये आपकी बेटी जरूर है लेकिन अभी तक इस घर की बहू नहीं बन पाई है। पंद्रह दिन की शादी में भी ये आज तक बेटी ही बनी हुई। मैंने फैसला लिया है, मैंने फैसला लिया है कि आज के बाद मैं पल्लवी की जिंदगी से दूर हो जाऊंगा। नहीं पापा, आप ऐसे नहीं कर सकते पापा। पापा इसमें आपको कोई फॉल्ट नहीं है। मामा ये तो मेरा फैसला था ना कि मैं बेटी भी बनी रहूंगी और बहू भी बनूंगी। इसमें आपकी गलती नहीं है पापा, मैं फेल हुई हूँ, आप नहीं। मेरी हार है, मुझसे गलती हुई है, पर आई प्रॉमिस मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं दोनों परिवार को साथ लेके चलूं, सारे रिश्ते अच्छे से निभाऊं। प्लीज पापा, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इतना बड़ा फैसला मत लीजिए। पापा डोरबेल बंद थी, किसी को पता नहीं था कि मैं बाहर हूँ। किसी की गलती नहीं है पापा इसमें, पापा प्लीज। मम्मी जी, मुझे लगा था कि मम्मी जी गुस्सा करेंगी इसलिए मैं बाहर ही रह गई, बस इसलिए घर नहीं आई। I'm so sorry पल्लवी, मेरी गलती की सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। अजब की शातिर लड़की हो तुम भाई,
तुमको लग रहा है कि सबके सामने दो आंसू बहाओगी, दया की भीख मांगोगी तो सब ठीक हो जाएगा, सब तुम्हें माफ कर देंगे। और भाई साहब, जो आवाज ऊंची करके एकदम विलन अमरीश पुरी की तरह घर में एंट्री मारी ना, तो मैं आपको बता देती, आपकी बेटी की वजह से ना पूरा परिवार कल रात भूखा सोया है। इसने खाना ही नहीं बनाया, चली गई थी वो वैसे ही। पूछिए, क्लियरली पापा, यहाँ मुझ में सिर्फ गलतियां निकाली जाएंगी। मुझे मालूम है मैं खाना बना के गई थी, पर घर वालों ने चेक भी नहीं किया है। आपका गुस्सा सह सकती हूँ पापा, लेकिन अगर आपको पता चला कि मुझे यहाँ एक्सेप्ट ही नहीं किया गया है तो आपका दिल टूट जाएगा, वो नहीं सह पाऊंगी। मेरी गलती थी। ये गलती कैसे कर सकती है तू पल्लू? ये सिखाया था मैंने तुम्हें, इतना कुछ समझाने के बाद भी ये सब किया तुमने, उसकी कुछ तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया है पल्लू। नहीं पापा, पापा आई एम सॉरी, मैं मुझसे गलती हो गई, दोबारा कभी नहीं होगा ऐसा, प्लीज आप शर्मिंदा मत होइए। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं कभी आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगी, कभी मौका नहीं दूंगी दोबारा शिकायत कर। गलती पल्लवी की नहीं, हमारी है जयदेव जी। अगर हमने ये 15 दिन वाली शर्त नहीं रखी होती तो पल्लवी को इतना डर के सहम के आपसे मिलने के लिए नहीं जाना पड़ता। इसलिए अब मैं 15 दिन वाली आपसे बात ना करने और ना मिलने वाली शर्त हटा रहा हूं। ये मेरा फैसला है। बच्ची है पल्लवी, हमारी भी आपकी भी, सोचिए उसके मन में कितना दर्द रहा होगा आपसे ना मिल पाने का, और वो कितना डर रही होगी कि अगर आपसे मिलेगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अगर पल्लवी के मन में ये दर्द, ये डर नहीं होता तो आज वो नहीं होता जो हुआ है। I'm sorry जयदेव जी। आपका धन्यवाद सुरेश, लेकिन मुझे कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं। बस इतना मैं कहना चाहूंगा तुम्हें पल्लवी, ये तुम्हारा आंगन है, इसे तुम बनाओ या बिगाड़ो, अब से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। चलता हूं। मैं तो कहूंगा काश कुछ गलती तुम्हारी भी है, बहू मायके गई थी, ये बात तुम्हें घर वालों को सच बतानी चाहिए थी। ये बेचारी ने तो, You're right, पापा, I'm sorry for that. गलती मेरी है। पल्लवी, really very sorry, मेरी वजह से सबके सामने कतई जोरू का गुलाम बना के रखा है आपने आकाश को, खाना भी नहीं बनाया, ऊपर से किसी को मम्मी दादी रिंकू। रिंकू क्या हुआ, कुछ ठीक तो हो तुम? रिंकू क्या हुआ? मम्मी देखो ना, फ्रिज में तो खाना रखा है, साथ ही साथ चाची का लिखा हुआ नोट भी है। तुम कल रात को सारा खाना बनाकर गई थी? बेमतलब का सारा कलेश हो गया ये, बेमतलब का। अरे बेचारी चुपचाप सुनती रही, और किसी को यहाँ इस घर में इतनी अक्कल नहीं है कि फ्रिज की तरफ एक बार देख के, फ्रिज खोलने की भी जरूरत नहीं थी, फ्रिज के सामने डोर पे लिखा है संध्या कुसुम, क्या ये? वो बेचारी अपना पूरा काम करके गई, सारा खाना बना के गई, और हमने क्या किया, रात भर ताने मारते रहे उसे, खाना नहीं बनाया, भूखा मार रही है, क्या है ये? तू खाना बना के गई थी, बताया नहीं, बेकार में डांट खाती रही। एग्जैक्टली पापा जी, अगर मैं कुछ भी बोलती ना तो वो सही नहीं होता, ये मेरी फैमिली है, और इस घर की शिकायत करना मतलब अपने ही घर की इंसल्ट करना हुआ ना। तेरे पापा थे वो उनके सामने, कोई भी हो पापा जी, इस घर की बात हमेशा इस घर में ही रहेगी,
किसी और के सामने नहीं कही जाएगी, चाहे वो मेरे पापा ही क्यों ना हो। मैं अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं सुन सकती, थोड़ा सा डांटा ही तो है। कोई बात नहीं, सब अपने हैं, हक से डांटा है, इसलिए मैंने हक से सुन भी ली। वाह बेटा, अरे कितनी समझदार है तू। है दिल जीत लिया तूने मेरा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया ये 15-15 दिन वाली शर्त तुम दोनों साथ मिलकर निभा लोगे। इस लड़की ने तो पूरी चाल ही बदल दी, जितना सोचा था ये उससे भी कहीं ज्यादा चालाक है। इसे यहाँ से निकालने के लिए कुछ और सोचना होगा। आई गेस बहुत अपसेट है पल्लवी मेरे से। भी मैंने सच में गोली खाई थी यार, अब मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी आंख कब लग गई। एंड आई जेन्युइनली हैव नो आइडिया कि मेरा फोन साइलेंट पे कैसे हो गया। आई नो तुम मुझसे अपसेट हो, लेकिन सच में मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता था। आई रियली सॉरी, पता ही नहीं चला ये कैसे हो गया। और यू नो मेरी वजह से तुम्हें ऐसे यार, ये पल्लवी बात तो करो यार। बाप रे बाप, कैसी नौटंकी है ये लड़की। देखा ना दीदी आपने कैसी बाजी पलट दी इस लड़की ने। और हमारा आकाश चला गया कठपुतली की तरह उसके पीछे पीछे। शादी रवि ने भी की है, संध्या आ गई घर में, मगर कभी भी संध्या ने मेरे और रवि के बीच में दीवार बनने की कोशिश की कभी नहीं। गाय है मेरी बहू गाय, मगर आपकी वाली एकदम चंटोरानी है चंटोरानी। टेढ़ा दिमाग है इसका दीदी, मैं बता रही हूँ आपको। हमारे आकाश को ना संभालना पड़ेगा, उससे बचाना पड़ेगा, वरना ये हड़प कर लेगी। पल्लवी पल्लवी, आई नो मैंने झूठ बोला है और इसकी वजह से तुम पे ये सब ब्लेम आया है। प्लीज गुस्सा मत करो। गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा दीदी? हाँ मैं समझ सकती हूँ आपके मन की बात। नहीं कुसुम, पता है इस लड़की की बात का मुझे इतना बुरा नहीं लगा, लेकिन आकाश ने दिल तोड़ दिया मेरा, मुझसे झूठ बोला उस लड़की को बचाने के लिए। एक बात बोलूं मम्मी जी? हाँ। ये तो वैसी ही निकली ना जैसी आपकी वो 9:30 बजे वाली सीरियल की बहू है, चंटो रानी, है ना? बताइए दीदी, इसे भी सब दिख रहा है। हमारा क्या है, हम तो रह लेंगे। 15 दिन में से अभी सिर्फ 12 दिन बचे हैं, उसके बाद क्या होगा? आपका बेटा आप ही के घर से चला जाएगा। समझ में नहीं आ रहा इसका इलाज करे भी तो क्या करे। घर नहीं टूटना चाहिए, आप ही हमेशा कहती है ना। Talk to me. You know, I am sorry और कितना आसान है ना आकाश सॉरी बोलना, लेकिन तुम्हारे एक झूठ ने मेरे लिए सब कुछ बदल दिया। I know पल्लवी, पर मुझे ये रियलाइज हो रहा है सच में हमने जो किया है ना आकाश माफी के लायक नहीं है। जो क्या करना चाहिए पल्लवी बताओ, जो कहोगी वही करूंगा। आई रियली वॉन्ट टू मेक इट राइट फॉर अस। अनु, आज तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, तूने अपनी बहन की जान बचाई है सच्ची। मेरे घर में ना उस घी के स्मेल से तो यू नो व्हाट, वो सब देख रहा है, सब कुछ देख रहा है।
सौभाग्यवती भव तनु, सौभाग्यवती भव। ऐसा लग रहा है कि आप कोई देवी हो और मैंने आपको प्रसाद चढ़ा दिया है। जीती रहे बच्चा, खुश रहे। सीरियसली वरुण के पापा का जो खाने का टेस्ट है ना, उससे तो मैं कभी मैच ही नहीं कर सकती यार। और कमाल की बात है यार, इस एज में भी ना इतना सारा देसी घी डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो दी आप ना रोज आ जाया करो ना, मैं आपको रोज अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाऊंगी। डन। और ये गोलू पोलू को भी ना बहुत अच्छा खाना बना के खिलाऊंगी। सुन रहे हो मासी, ना आपको बहुत अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाएगी, ठीक है? दी बताओ, लड़का कि लड़की? सच कहो तो मैंने चुपके से ना ऊपर रिक्वेस्ट डाल दी है, लड़की, क्योंकि राहुल तो है। दोनों भाई बहन मिलके बहुत मस्ती करेंगे। क्या बात है, आज सूरज कहाँ से निकला है? दीपू हमारे घर पे, वो भी ब्रेकफास्ट टाइम पे, क्या बात है? देख रही हो तनु, कैसे तुम्हारा पति ना मुझे ताना मार रहा है। ताना वाना नहीं मार रहा हूँ, तुम और पल्लो घोड़े पे सवार होके आते हो और कब चले जाते हो पता ही नहीं चलता। इस बात पे ना दी, मैं अपने पति की साइड हूँ। कल देखा नहीं था आपने पल्लो कैसे सीधी साधी बहू बनी हुई थी? अच्छा तुम दोनों ब्रेकफास्ट करो, एंजॉय करो, और दीपू लंच करके जाना। पक्का। तनु मेरी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही थी, मैं ढूंढ रहा था, तो मैं पता है कहाँ? तुम इसे यहाँ ढूंढ रहे हो और ये तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रही है। ये चाबी तुम्हें कहाँ मिली? टेबल पे पड़ी। अरे हाँ, ये मैंने कल रात को टेबल पे रख दी थी, राइट। जानवी मैं तुम्हें ना मिलवाना ही भूल गई। ये है मेरी बड़ी दी दीपिका, ये एक एयर होस्टेस है। वाओ। और दी ये है जानवी। नाइस मीटिंग यू। दैट इज माइन। और दी ये ना राकेश की बहुत अच्छी फ्रेंड है, और इनका टेक्सटाइल कंपनी का कोई सेमिनार है यहाँ, तो एक महीने के लिए ये हमारे साथ ही रुकेंगी। नाइस। जानवी ब्रेकफास्ट कम ना। सिर्फ मन तो बहुत मचल रहा है, लेकिन मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना है ना, ऑलरेडी लेट। राकेश सुनो ना, तुम मुझे रास्ते में छोड़ दोगे प्लीज? तुम्हारे ऑफिस के रास्ते में, प्लीज प्लीज। अरे जानू तुम भी ना। अब चाबी। जब जानवी किसी की गाड़ी में बैठती है तो गाड़ी वो खुद चलाती है। तुम मेरी गाड़ी चलोगी? क्या? तुम? Are you serious? Yeah. Okay. अब तनु, मेरा इंश्योरेंस, मेडिक्लेम ये सब है ना तुम्हारे पास? क्योंकि मुझे इस पे भरोसा नहीं है, क्योंकि इसका जो है ना ध्यान रोड से ज्यादा मुझ पे रहता है, राइट? लेकिन अगर तुमने मेरी गाड़ी अच्छे से चलाई तो तुम्हारी एक जॉब तो फिक्स है, तुम मेरी ड्राइवर बन सकती हो, फिर मेरी गाड़ी हमेशा तुम ही चलाना। चलो चलो। राकेश आज ना मूवी टिकट्स बुक की है, वो सुपर हीरो वाली मूवी दिखानी है ना राहुल को, तो जल्दी आ जाना याद से। तुमने आज की टिकट्स बुक की? तो तुमने मुझसे पूछा तक नहीं। तनु आज मेरा ऑलरेडी प्लान बन चुका है, कॉलेज का रीयूनियन है, डिनर पे जाना है। देखो तनु आई एम सॉरी, लेकिन ये प्लान मैं कैंसिल नहीं कर सकता, स्कूल के सब दोस्त आने वाले हैं और जानवी बहुत एक्साइटेड है इसे लेकर। प्लीज वाला सॉरी प्लीज। देखो राहुल को मैं मना लूंगा, हम ना ये मूवी का प्लान बहुत जल्द वापस करेंगे। 6 to 9 तुम, मैं और राहुल, वो सुपर हीरो वाली फिल्म, और 9 to 12 सिर्फ तुम और मैं, रोमांटिक फिल्म विद यू। बिल्कुल बिल्कुल जाओ, मतलब सुपर हीरो, सुपर पति, सब सब देख लो, मैं राहुल को संभाल लूंगी। यू आर द बेस्ट। एनी टाइम। तनु थैंक यू। चल ना यार, कितना रोमांस करेगा। हाँ चलता हूँ बाबा, सी यू सी यू सी यू, बाय। अरे तेरी गाड़ी में से कितनी फाउल स्मेल आ रही है, कौन सा एयर फ्रेशनर लगाया? तनु ये जो जानवी और तेरे जान है ना, कुछ ज्यादा क्लोज है क्या? हदी ये लोग ना बचपन के फ्रेंड्स हैं। पर क्यों? नहीं मतलब मुझे थोड़ा अजीब लगा, मतलब इतना क्लोज, मतलब कितनी टची टची हो रही थी ना। पता नहीं दी, राकेश को तो मुझे देखने का टाइम भी नहीं होता, वो किसी और को क्या देखेंगे। राइट। पापा जी कहाँ रह गए? आपकी बेटी की वजह से ना पूरा परिवार कल रात भूखा सोया है। ये आपकी बेटी जरूर, लेकिन अभी तक इस घर की बहू नहीं बन पाई। अरे पापा जी आराम आराम से। अरे वरुण बेटे तुम कब आए?
अरे हाँ, मेरी बात हुई थी कल यादव जी से। करेक्ट, हमें मिलना था। आ, अंदर आओ। आजा बेटे, आजा। यार कमाल करते हो, किसी ने मुझे बताया तक नहीं कि तुम्हें इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, ना दीपू ने ना तुमने। बैठो बैठो बैठो। जी वो एक्चुअली आपको बेकार में प्रेशराइज नहीं करना चाहते थे तो। अरे तो फिर कैसे पता चलेगा? हाँ भला हो यादव जी का, उन्होंने मुझे बता दिया कि आप लोगों को पैसों की जरूरत है। जी एक्चुअली पापा, दीपू और मैं पेरेंट्स को ये बात नहीं बताना चाहते थे, और मैं भी बाबू जी को नहीं बताना चाहता था, लेकिन समहाउ उन्हें पता चल गया। लेकिन पापा एक बात है, आप प्लीज टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। हाँ हाँ, तुम उसकी फिक्र मत करो, लेकिन बता तो दो कि जरूरत कितनी की है। पापा 50। 50? 50 लाख चाहिए होंगे। क्या रहा है ये सब? क्या चल रहा है दीदी, दिख नहीं रहा है आपको? लड़की ने कमरे में तांडव किया होगा तो उसको मनाने की कोशिश कर रहा है। ये वैलेंटाइन डे, सॉरी, ये सब मनाने के तो तरीके हैं। नहीं मम्मी जी, वैलेंटाइन नहीं, वैलेंटाइन। चुप कर। मेरे कहने का मतलब ये है कि इतना सब कुछ हो गया तो मदर्स डे मनाता, अपनी मम्मी को सॉरी बोलता, वो नहीं, उसके लिए। अरे अरे अरे, आप यहीं रुकिए, मुंबई की सबसे बड़ी एक्टर तो ये है, आप कहाँ जा रही है आगे? देखिए तो जरा कैसे जता रही है, जैसे इसे कुछ पता ही नहीं है, जबकि ये सब कुछ उसके लिए हो रहा है। हे भगवान, ये कौन सा दिन दिखा रहा है दीदी को? पापा, इट्स ओके, अगर मैनेज नहीं हो पाएगा तो आप स्ट्रेस मत कीजिए, मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ। इट्स जस्ट दैट दीपू अब प्रेग्नेंट हो गई है और कुछ ही महीने में डिलीवरी हो जाएगी, और मेरे पास भी जॉब नहीं है, पूरा सिचुएशन बड़ा स्ट्रेसफुल हो जाएगा। और सच कहूँ तो पापा, मैं शायद एक अच्छा 100% हस्बैंड नहीं बन पाया, लेकिन एक अच्छा बाप ज़रूर बनना चाहता हूँ, 100% आपकी तरह। हाँ जरूर बेटे, कुछ करते हैं हम, कुछ करते हैं। वैसे भी जो कुछ भी है, सब कुछ तो आप लोग के लिए ही तो है। थैंक यू पापा। पापा एक रिक्वेस्ट थी, एक्चुअली दीपिका आजकल थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस में रहती है, आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी, तो और मैंने भी उसे बताया नहीं कि मैं आपसे मिलने आया हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए, तो प्लीज आप भी उसे मत बताइएगा। बिल्कुल भी नहीं, ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगी, उसकी फिक्र मत करो। पापा ये ऐसे कब तक मिल जाएंगे? अरेंज करते हैं ना बेटे, यही कुछ दिन दीजिए मुझे। मैं जी थैंक यू पापा। जी चलो बेटे, 50 लाख रुपए
कहां से लाऊंगा मैं? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जयदेव शर्मा, दीपू और उसके बच्चे का सवाल है। I'm sorry, मैंने आपको सच नहीं बताया और को हर्ट किया, लेकिन आज मैं अपना सारा दिन सिर्फ आपके साथ बिताना चाहता हूं। Will you be my Valentine? अरे दी, आप बैठो ना, आराम से ही मैं कर लूंगी। अरे इट्स ओके, कर लूंगी। दी, जिस साड़ी की बात कर रही थी ना मैं, वो भी इसके बाद दिखाऊंगी आपको। हाँ हाँ ओके। लर्न हमने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है आकाश। क्या करूं पल्लवी, जो तुम कहोगी वही करूंगा। Want to make it right for us? मेरे लिए नहीं आकाश, मॉम के लिए सोचो। कैसा लगा होगा उन्हें जब तुमने उनसे झूठ बोला, कितना हॉट हुई होगी वो। उन्होंने तो नहीं सिखाया ना तुम्हें झूठ बोलना, पर क्यों बोला झूठ? पहले भी हुआ है ऐसा, फिर वो चाहती थी कि 15-15 दिन वाली बात किसी के सामने ना आए, लेकिन मेरी वजह से वो हमसे हर्ट हो गई, दिल दुखा उनका। और आज फिर जब तुमने उनसे झूठ बोला, कितना बुरा लगा होगा उन्हें। राइट पल्लवी, जो तुम कह रही हो मुझे समझ में आ रहा है। मुझे लग रहा था मैं तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ, लेकिन तुमने मुझे हर्ट किया है आकाश। मैं हर्ट हूँ क्योंकि मम्मी जी हर्ट है। मेरी माँ नहीं थी आकाश, पापा ने बड़ा किया बहुत प्यार से। तुम्हारे पास है ना, मत करो उन्हें हर्ट। राइट, लेकिन अब क्या करूं? मनाओ उन्हें, स्पेशल फील कराओ प्यार से। आपका फेवरेट? मॉम, ये हुई ना बात,
बेटा हो तो आकाश जैसा, एकदम श्रवण कुमार, अपनी माँ से कितना प्यार करता है। देखो अपनी चाची की एक बात हमेशा याद रखना, पूरी दुनिया में माने पूरी दुनिया में हम माँ से बढ़कर कोई नहीं होता। चोर बस चलो अब एक पिक्चर दे दो मुझे। हाँ, 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 चलो चलो दे देंगे। सेल्फी 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 निकाल दे। आओ ना तुम भी। हाँ हाँ एक सेल्फी। स्माइल। माँ एक दिन ऐसी खुशी आपको मेरे साथ भी होगी। मैं इस परिवार में अपनी जगह बना के रहूंगी। जानती हूँ डिफिकल्ट है, लेकिन मैं आपके साथ सबके दिल में अपनी जगह बना के रहूंगी। क्या कर रहे हो आकाश? मुझे काम है आकाश। क्या कर रहे हो? करते हैं ना ऐसे टैप बंद करके। तुम रहने दो मैं कर लूंगी। अरे ये क्या, तुमने कप का टेस्ट भी नहीं किया? सॉरी सॉरी साफ कर देता हूँ, समझ दो ना प्लीज। आने दो ना। हटो। तो ऑफिस किचन में मैडम शेरनी है और घर की किचन में फुल बीबी मटेरियल। बन के दिखाओ शेरनी। दिखाओ ना, मैं तो देखना चाहता हूँ। हटो यार। शेरनी अब क्या है? Happy Valentine's Day. मेरी पल्लवी के लिए नया पता, नया पता उसकी नई जर्नी के लिए इस घर में। थैंक यू पल्लवी, जो सही गाइडेंस देने के लिए। पता है अगर तुम ना होती ना शायद मुझे पता ही ना चलता कि मैंने माँ का कितना दिल दुखाया। फोटोग्राफ्स देखी कुसुम ने भेजी ना, आकाश ने बस ऐसे ही सरप्राइज कर दिया। हाँ हाँ बस आज के लिए हाफ डे लिया है, कल से सेकंड शिफ्ट में आ जाऊंगी। थैंक यू बाय। बहुत खुश लग रही हैं आप दीदी। हाँ कुसुम, आकाश ने कितना सब किया मेरे लिए, मेरी जगह किसी ने नहीं ली है। मैं आज भी उसके लाइफ में नंबर वन हूँ। उसे अपनी गलती समझ आ गई? उसकी आंखों में दिख रहा था प्यार भी और सॉरी भी तो कितना था। वो सब कुछ अपने हाथों से किया उसने, बिना मेरे बोले सब कुछ समझ गया। वैसे है कहाँ आपका ये बेटा नंबर वन? क्यों बार बार थैंक यू बोल रहे हो? तुम भी तो गए थे ना पापा के पास। हम दोनों एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा आकाश? एग्री पल्लवी, लेकिन इतना सिंपल नहीं है। आज जो तुमने किया है ना वो इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शायद अकेले मैं समझ ही ना पाता कि मैंने माँ का कितना दिल दुखाया, कि मैंने उन्हें हर्ट किया है, कि उनको दुख पहुंचा वो भी मेरी वजह से। तुम ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता।
और पता है बेस्ट पार्ट क्या था? वो टेबल पे सबकी चॉइस की हर चीज थी वहां। मैं सबकी शक्लें देखने वाली थी यार। Everyone loved it यार। मॉम को देखना था तुम्हें, मॉम की आंखें ना मतलब खुशी से भर आई थी यार। तो ये इसके कहने पर माफी मांगने आया था। It's all thanks to you. क्या हुआ? I think कोई है शायद बाहर। मम्मी जी। बाहर तो कोई नहीं। क्या हुआ? हेलो जी। कौन था? कोई नहीं। हाँ अच्छा सुनो, मैं ऑफिस के लिए रेडी हो रहा हूँ, साथ चले? अब तुम जाओ, मुझे कुछ काम है वो करके आती हूँ। शिफ्ट? सेकंड शिफ्ट है मेरी। ठीक। लगभग सारे पेपर्स आपको मिल गए हैं तो अब तो मेरा पर्सनल लोन अप्रूव हो जाना चाहिए। पेपर तो पूरे हैं जयदेव जी, लेकिन हम आपका लोन अप्रूव नहीं कर पाएंगे। क्यों? सर क्या है ना कि अमाउंट बहुत बड़ा है, आप 60 प्लस हैं, सीनियर सिटीजन हैं, रिटायर्ड हैं। हाँ आपका एक फिक्स डिपॉजिट था हमारे बैंक में, लेकिन वो भी अभी अभी आपने तोड़वाया है कुछ दिन पहले। मेरी बेटी की शादी थी, पैसों की जरूरत थी बस। जी सर, लेकिन कोलैटरल में काम आता। I'm sorry to say this, but आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है इतने बड़े अमाउंट के लिए। 50 लाख का बंदोबस्त करना होगा हमें। क्या करूं मैं? लो, आप तो खुश हो गई थी। खैर मैं भी तो खुश हो गई थी कि कुछ तो किया आकाश ने आपके लिए, मगर देखो तो ये तो उस चमका ढकलाने की चाल निकली और आकाश की नजर में कैसी महान बन गई। और हमारा बेचारा भोला आकाश समझ रहा है कि आया है, कितनी अच्छी है मेरी बीवी। कसम लो राज मेरी आज कि आज के बाद अपनी माँ से, अपने परिवार से कभी कोई बात नहीं करोगे। लो कसम मेरी। नहीं ऐसा मत कर। दीदी दीदी देखो, ये बहू है और ये सास है, और ये बहू जो है ना वो अपने पति को पल्लवी की तरह अपने काबू में करना चाहती है। नहीं ऐसा मत कर, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कर। ये हमारा बेटा है, बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है हमने इसे, बचपन से आज तक बहुत प्यार से बड़ा किया मैंने इसे पल्लवी। प्लीज मेरे आकाश को मुझसे मत छीनो। सॉरी मम्मी जी, लेकिन आपका बेटा अब मेरा पति है और इस पे सिर्फ मेरा अधिकार है। देखा दीदी, पहले ना इसने अपने हिसाब से सारे रीति रिवाज बदले, अब आकाश का धीरे धीरे ब्रेन वॉश कर रही है। अरे 15 दिन की शादी, मतलब भला कहीं होती है 15 दिन की शादी? इसे इस पे ना एक नया टीवी सीरियल बन सकता है। हाँ समझ ही नहीं आता कि एक औरत ने 9 महीने अपनी कोख में अपनी औलाद को पाला है, उसी औलाद को 9 दिन में हड़पना चाहती है। बताइए सही है, एक औरत ही औरत की हमेशा दुश्मन होती है। दीदी अब तो सिर्फ 12 दिन बचे हैं, कैसे करेंगे?
मुझे तो लगता है ना, हमें ऐसी लड़की को लाना ही नहीं चाहिए था जो अपने मायके से अलग ही ना हो पाई। सही में ताई जी, मम्मी जी ने एकदम सही बोला है। मम्मी जी, चाची जी, भाभी, मुझे मम्मी जी से 2 मिनट अकेले बात करनी है। अभी हमारा फेवरेट शो। चाची जी प्लीज, बस 2 मिनट। चलो। आप यहीं रुको, मैं रिक्शा रोकती हूँ। रुको, आज रिक्शा नहीं है, रिक्शा का स्ट्राइक, इसलिए वरुण मुझे ड्रॉप करके गया था। आपकी कार कहाँ है? वरुण ले गया। बहुत दर्द हो रहा है। दीदी आप प्लीज बैठो, मैं देख सकती हूँ, मैं जीजू कॉल करती हूँ। जीजू कॉल नहीं उठा रहे, रुको राकेश को करती हूँ। ना राकेश कॉल उठा रहे, ना जीजू। आप यही रुको, मैं किसी से हेल्प मांगती हूँ। ओके ओके, रुकिए रुकिए प्लीज, रुकिए, हेल्प चाहिए मेरी, भी प्रेग्नेंट है, प्लीज हॉस्पिटल जाना प्लीज। मम्मी जी, आपने मुझे अभी तक अपनी बहू नहीं माना ना? मुझे लगा कल रात इस सवाल का जवाब तुम्हें मिल गया होगा। मम्मी जी, बहुत शौक है तुम्हें महान बनने का पल्लवी, मैंने तुम्हें जानबूझकर बाहर रखा। ये बात तुमने आकाश को नहीं बताई? नहीं मम्मी जी, मुझे कोई महान नहीं बनना है। मैं इतनी आसानी से पिघलने वालों में से नहीं हूँ पल्लवी, सब दिखता है मुझे एक्सरे की तरह। आप मुझे गलत समझ रही है। नहीं, आकाश ने तुम्हें गलत समझा है, मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। तुम मेरे बेटे आकाश को मैनिपुलेट कर रही हो, मेरे बेटे को मुझसे अलग करने की प्लानिंग है तुम्हारी, मीठी बातों में उलझा कर, महान बनकर। ऐसा नहीं है मम्मी जी, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। ये पट्टी आकाश की आंखों पर बहुत दिन तक बंधी नहीं रहेगी पल्लवी, मैं इसे उतार दूंगी। एक दिन आकाश को भी सब साफ दिखेगा, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा ये गंदा खेल। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपके और आकाश के बीच में? मम्मी जी, ये मेरी भी फैमिली है, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं तो कुछ और चाहती हूँ, मैं आपके नजदीक आना चाहती हूँ मम्मी जी। मुझे कभी माँ का प्यार नहीं मिला, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे भी सर पे प्यार से हाथ फेरे। मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ पल्लवी, इन बचे हुए 12 दिनों में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। तुम खुद ये घर छोड़कर जाना चाहोगी, ये वादा है मेरा तुमसे। मेरा भी चैलेंज है मम्मी जी, इन 12 दिनों में आप मुझे अपनी बेटी मानेगी, आप मुझे अपना के रहेंगी।
बहुत दर्द हो रहा, मुझे हॉस्पिटल ले चल। बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, बचा ले मेरे बच्चे को। हम हॉस्पिटल पहुंचेंगे, मैं लेकर जाऊंगी आपको, मैं लेकर जाऊंगी आपको। तनु थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। अरे अरे हाँ, इतना नहीं इतना नहीं, ये स्कूटी है, हवाई जहाज नहीं है जो उड़ा रही हो। प्यार से, प्यार से। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। राकेश, ये कोई बर्थडे गिफ्ट है? ये इससे अच्छा तो तुम मुझे कोई मिक्सर ग्राइंडर दे दो। आराम से आराम से। तनु टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, बहुत अच्छा चला रही हो। सीधा सीधा चलाओ बिंदास। राकेश तुम पकड़ो, मैं गिर जाऊंगी। अरे नहीं गिरोगी, चलाओ चलाओ, एक्सेलरेटर बढ़ाओ। वेरी गुड वेरी गुड, मैं हूँ तुम्हारे पीछे, डोंट वरी डोंट वरी, मैं हूँ। तनु संभाल के, स्पीड ब्रेकर। तनु ब्रेक ब्रेक ब्रेक। अब मुझे ही कुछ करना होगा। आई होप यहां मेरा काम हो जाए। हाँ हाँ, आपका काम हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। नमस्ते। नमस्ते। आइए आइए, बैठिए बेटा जी। और छोटू, चाय ले गया? नहीं नहीं, चाय नहीं, मैंने बस आपको इसलिए कॉल किया था कि देखिए मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, अगर आप मेरे पैसे रिलीज कर देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। अरे कोई गल नहीं, आप टेंशन मत लो, हम है ना। ओ सर जी, हम तो खुद ही आपको फोन करेंगे, 2 महीने की ड्यू डेट है ना आपकी, और फिर आपके सारे पैसे आपको मिल जाएंगे, वो भी डबल। और सर यही तो है हमारी चिट फंड पॉलिसी का कमाल। कुछ और तरीका है 2 महीने से पहले पैसे मिलने का? ट्राई कर लेते हैं सर, आपकी पेमेंट की ड्यू डेट से पहले हम आपको कॉल कर लेंगे। 2 महीने से ज्यादा आपके पैसे लेट नहीं होने देंगे हम, गारंटी हमारी सर। फिर जो मर्जी है करना करो, घर लो, गाड़ी लो, कुछ भी करो, ऐश ही ऐश है सर। चाय लेंगे क्या? जी नहीं, बैंक ने मना कर दिया, ये भी 2 महीने बोल रहे हैं, अब मैं क्या करूंगा? क्या हुआ सर जी, परेशान लग रहे हैं, भरोसा नहीं है क्या? भरोसा तो है, अगर भरोसा नहीं होता तो मैं अपने पैसे क्यों देता? साड़ा प्रॉमिस है सर जी, 2 महीने से पहले आपको सारे पैसे आपके दिला देंगे, वो भी डबल। कुछ 2 महीने से पहले अगर इंतजाम हो सके तो मुझे प्लीज प्लीज बता देना, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। अरे जी बिल्कुल हो जाएगा आपका, आप टेंशन क्यों लेते हैं? शुक्रिया। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੁੱਡ ਬੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਲੋਕ ਉਹ ਐਸੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗੇ ਤਾਂ ਲਖਪਤੀ ਕਿਸੇ ਬਣੇਗੇ ਹਮ। ਸਹੀ ਹੈ। ਦੀ ਦੀ ਆਰਾਮ ਸੇ ਬੈਠਣਾ। जय माता दी। दी जोर से, आप मुझे पकड़े रहो। सॉरी सॉरी दी, सॉरी दी। सॉरी 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 दी, आप ठीक हो ना? राकेश बिजी होंगे तभी उन्होंने फोन नहीं उठाया, अब मैं कैसे उन्हें बताऊं? लेकिन ये आइसक्रीम का टेस्ट आज भी वही है कॉलेज वाला। हाँ हाँ सब सेट है। अरे आकाश जल्दी करो यार, मुझे भी जाना है। ये हस्बैंड फ्री ना, शादी के बाद एकदम बच्चे बन जाते हैं। 1 घंटे से घुसा हुआ है बाथरूम में, निकल ही नहीं रहा।
So cute. वैसे तू आज आ रही है ना शाम को? बड़े लोग हैं, स्पेशल मेन्यू चाहिए, और ये तो तू ही कर सकती है। हाँ बाबा 100%। अभी एचआर हेड को पता चला ना कि इतनी छुट्टियां ले रही हूँ, तो जॉब चली जाएगी मेरी। और वैसे भी काम जरूरी है, लाइटनिंग नहीं ले सकती ना। हाँ हाँ जल्दी जल्दी आ। ओके चल सी हुआ। आकाश ये सही है, महारानी की तरह आती है, महारानी की तरह चली जाती है। ऑफिस का बहाना बनाकर घर का कोई काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि सारा काम तो मैं ही कर लेती हूँ ना। 12 दिन के बाद तो उसे वैसे भी चले जाना है। हे भगवान, तो अगर ऐसी लॉटरी मेरी भी लगा देता ना तो मजा ही आ जाए। ध्यान कहाँ है तेरा, और क्या अकेले बड़बड़ कर रही है? कुछ नहीं मम्मी जी, वो पल्लवी को मैंने बात करते सुना था, फोन पर कह रही थी किसी से कि उसे ऑफिस जाना है वरना उसे नौकरी से निकाल देंगे। पर ये तो गलत बात है ना मम्मी जी, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, वो एक काम नहीं करती, बस ऑफिस का बहाना बनाकर चली जाती है बाहर मजे करने। इतनी देर से वहां खड़ी रही और ये खबर लाई तू, एक काम भी नहीं होता तुझसे ठीक से ना। गॉसिप करना सीख, गॉसिप। गॉसिप तो वो होता ना जब तू ये खबर लाती कि पल्लवी की जॉब चली गई है या उस उड़न परी के पंख कट गए, समझी? मम्मी जी काम कर। कुसुम जी, तुम सुभाष और रवि को बुला लो, मैं सुरेश जी को बुलाती हूँ, एक जरूरी बात करनी है सबसे। क्या हुआ? सबको एक साथ ही बताऊंगी। पल्लवी को मैंने बात करते सुना था कि उसे ऑफिस जाना है वरना उसे नौकरी से निकाल देंगे। गॉसिप तो वो होता ना जब तू ये खबर लाती कि पल्लवी की जॉब चली गई है। बी बस अभी डॉक्टर आती होंगे। डॉक्टर डॉक्टर बी को ना बहुत पेन हो रहा है, उनको ब्लीडिंग भी हुई है। आप बाहर वेट कीजिए, मैं चेक कर लेती हूँ, रिलैक्स। डॉक्टर बेबी ठीक होगा ना? हाँ हाँ रिलैक्स, मैं देख लेती हूँ। अचानक सबको क्यों बुला लिया? बात क्या है, तबीयत ठीक है ना? बीपी चेक किया था? सब ठीक है। काम मुझे पल्लवी से था, लेकिन बात सबके सामने करना चाहती थी। पल्लवी बेटा, मैंने कुलगुरु महाराज को बुलाया है, बहुत दिनों से छोटी सी पूजा करवाना चाहती थी कुलदेवी की। अब शादी वगैरह सब अच्छे से निपट गया है तो यही सही टाइम है, तो ये पूजा आज शाम के लिए फिक्स हुई है। ये पूजा मैं हमेशा आकाश की अच्छी जिंदगी, तरक्की के लिए करवाती आई हूँ। अब शादी हो गई है तो ये पूजा तो तुमको करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स मम्मी जी, मैं करूंगी पूजा। दीदी को दौरे पड़ते हैं क्या ठंडे गरम के? कभी तो तलवार लेकर तैयार रहती है और कभी एकदम गऊ बनकर पसर जाती है। पूजा पल्लवी के हाथों की करवा रही है। अपर्णा, तुमने पूजा रखी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतनी जल्दी ये सारी तैयारियां कैसे होंगी? हाँ पल्लवी है ना, ये सब मैनेज कर लेगी, है ना पल्लवी? कर लोगी ना? पकड़ से पल्लवी, ये खानदानी कंगन है, पुरखों के समय से चले आ रहे हैं, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी, पुरखों की निशानी भी और इस घर के रीति रिवाज भी। थैंक यू माँ, आई मीन इससे बेटर बात और क्या हो सकती है? ये जिम्मेदारी जो आपने पल्लवी को दी है ना पल्लवी? मैंने तो कुछ और भी सोचा है अपनी बहू की खुशी के लिए। इस पूजा के लिए मैं पल्लवी के पापा को खुद इनवाइट करूंगी। सब तरफ शांति होनी चाहिए, है ना? मुझे चक्कर आ जाएंगे संध्या, ये मेरी दीदी है ना? जयदेव जी ने पिछले कुछ दिनों में बहुत स्ट्रेस दिखा है, सब शामिल होंगे तो सबको खुशी होगी। भले ही हम सबके बीच में पिछले कुछ दिनों में टेंशन रही हो,
बट आई एम श्योर मैं उन्हें इनवाइट करूंगी तो वो मना नहीं करेंगे. पल्लवी. हाँ. मुझे घर से निकालने का चैलेंज करने के बाद अचानक मम्मी जी ये सब क्यों कर रही है? माँ आप बिल्कुल टेंशन मत लो, पल्लवी सब मैनेज कर लेगी. सुभाष चल सामग्री लेके आते हैं पूजा की. हाँ चलिए चलिए आते हैं चलिए. हाँ पल्लवी जो तो यकीन ही नहीं हो रहा है. एनीवे तुम पूजा की तैयारी शुरू करो. आई एम श्योर बहुत सारे काम होंगे बट डोंट वरी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा. जो जो अरेंजमेंट करने हैं ना उन सबके नंबर्स हैं मेरे पास. ओके क्या हुआ तुम स्ट्रेस क्यों? आकाश वो आज होटल में. अरे हाँ पल्लवी तुम उसकी चिंता मत करो. आई मीन लुक एट दिस मम्मा ने फाइनली तुम्हें एक्सेप्ट करना शुरू किया है. ट्रस्ट मी पल्लवी ये बस शुरुआत है. मैं जानता हूँ उन्हें वो ना होटल की टेंशन मत लो. आई थिंक तुम्हें अपनी पूरी एनर्जी इस पे फोकस करनी चाहिए और अपने मैनेजर पति उनका कुछ तो फायदा उठाओ. मैं तुम्हारी शिफ्ट में किसी और को लगा दूंगा. आई नो आकाश लेकिन आज होटल में बहुत इंपॉर्टेंट डे है. आई नो इंपॉर्टेंट डे है पर इट्स ओके मैं हूं ना. इन फैक्ट यू नो व्हाट मैं भी छुट्टी ले लेता हूं. आकाश पल्लवी मॉम के लिए हम दोनों इतना तो कर सकते हैं ना. एक तरफ मम्मी जी ये सब कर रही है दूसरी तरफ मुझे निकालने की बात कर रही है. काश काम से छुट्टी ले रहा है ये सब क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा. मैंने anyway, जो भी हो अगर मम्मी जी का दिल जीतने के लिए यही करना पड़े मैं ये भी करूंगी. दीदी ये क्या कर डाला आपने? तुम बस मुझे इतना बताओ कुसुम तुम्हारी वो किटी वाली फ्रेंड उसकी बेटी क्या नाम है उसका टीना वो ईस्टर्न होटल में काम करती है ना आकाश वाले होटल में? हाँ वही करती है. मुझे उससे कुछ काम है. दीदी पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही है आपके मन में मगर अब तो खुशबू मुझे भी बहुत अच्छी आ रही है. Excited baby. शादी के बाद की पहली पूजा जो मॉम चाहती है कि सिर्फ तुम करो. स्पेशल है ना? अच्छा अभी डिस्टर्ब मत करो. बहुत सारा काम है मुझे और शादी के बाद मेरी पहली पूजा है ना. डिस्टर्ब मत करो और काम करने दो कुछ गड़बड़ ना हो जाए. दल बदलू? बीवी से सीधा बहू बन गई. रोमांस बाद में आकाश बहुत सारा काम है अभी. अच्छा एक काम तुम भी करोगे? ऑफ कोर्स. यहां पे तो सब कुछ मैं संभाल लूंगी. होटल में ना आज स्पेशल मेन्यू बनाना है तो प्लीज चेक कर लेना कि कौन सा शेफ कवर कर रहा है और वो ब्लैक सॉस तो हर किसी को बनाना भी नहीं आता. तो होटल का सब मैनेज हो जाएगा. तुम सिर्फ पूजा पे फोकस करो और थोड़ा सा मेरे पे भी. आकाश अरे कुछ नहीं होगा ऑफिस में बोल रहा हूँ ना. ओके ये चोटी सर यहाँ क्या कर रहे हैं? आज तो ना आकाश सर हैं और ना ही पल्लवी. वेयर इज जीएम आकाश? सब वो उनकी तबीयत खराब है और घर पे भी कुछ था उनके यहाँ. और हेड शेफ पल्लवी? सब वो एक्चुअली मेरे स्पेशल गेस्ट ने आज टेबल बुक किया है हमारी हेड शेफ पल्लवी की सिग्नेचर मेन्यू के लिए और हेड शेफ ही गायब. और ये सब जीएम आकाश को पता था इसके बावजूद भी उसने सारे डिशेज चेंज करवा दिए मेन्यू चेंज. कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? मजाक समझ रखा है सब लोग ने. वेयर इज पल्लवी? वो यहाँ है नहीं सर. आई एम सॉरी सर मैंने बीच में बोला. आई एम टीना सर. पल्लवी मैम तो यहाँ पर है नहीं सर.
पल्लवी, सबके बीच कुछ कम तो नहीं पड़ेगा ना? और सुनो, मैं क्या सोच रहा हूँ, प्रसाद के लिए घी वाला हलवा रखते हैं। ओके। क्या हुआ? आकाश, एक बात बोलो, गुस्सा तो नहीं करोगे? करूंगा। अरे मजाक कर रहा हूँ, बोलो। मुझे ना बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है, जैसे जैसे कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। कि आप मिसेज अवस्थी होटलों में पागलों की तरह काम करती है और आज आपको छुट्टी दी गई है, इसलिए आप बस एंशियस फील हो रही है और कुछ नहीं। एंड वन सेकंड, लास्ट आई चेक, टेक्निकली मैं आपका बॉस हूँ होटल में, ऑफ कोर्स। तो आपके बॉस ने आपको छुट्टी दी है, उस पर तो ट्रस्ट करो। ओके, जाके प्रसाद बनाए। हाँ, चलो। थोड़ी बहुत हेल्प तो मैं भी कर ही सकता हूँ। चल। सब आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। जीएम गायब, हेड शेफ गायब। आपको क्या लगता है, मैनेजमेंट को ये सब पता नहीं चलेगा? उन दोनों की शादी हो गई तो ये जरूर आकाश करवाता रहेगा। आखिर उसी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? क्या नाम बताया आपने? टीना सर। नहीं हूँ यहाँ पे। कब ज्वाइन किया? लास्ट वीक ही ज्वाइन किया था सर। एग्जैक्टली। इसलिए इन सब की तरह आप अपने बॉस को कवर करने की कोशिश नहीं कर रहे? टीना, ऑनेस्टली एक बात बताइए, क्या जीएम और हेड शेफ ये दोनों का यहाँ एब्सेंट रहना रोजाना है? यस सर, इनफैक्ट पहली बार हमारे ऑनलाइन साइट पे बैड रिव्यू आया है सर। मैं जीएम सर को बताना चाहती थी, पर वो तो यहाँ पर है ही नहीं, शायद बिजी होंगे अपने मैरिड लाइफ में। This is not done, not at all. और कोई reports? Sir, दो दिन पहले तो dishes वापस आई थी, because non mushroom dish में mushroom डाल दिए गए थे, और customer को mushroom से allergy थी। फिर क्या? JM sir ने पल्लवी मैम से तो कुछ कहा नहीं, कुछ बोला नहीं, but as usual, junior sous chef पे सारा बिल फटा था। Miss Tina, thank you so much for your information. इन्होंने इतनी बड़ी गलती की है ना, तो उसकी सजा तो उन्हें मिलेगी। हैशिप और जेम, ये दोनों ने होटल को बहुत ही लाइटली लिया है। दिस कैन नॉट बी टॉलरेटेड। मम्मी जी बिना कैसे चुराऊं पल्लवी का मोबाइल, किसी ने देख लिया तो? हाँ तो क्या हुआ ना, उस साल पूजा में लड्डू नहीं आए, पेड़े आए। तुम तो जानती हो पेड़े मेरे वीकनेस है, मुझसे तो रहा ही नहीं गया। मैं तो... और पता है आकाश ने क्या किया, पूरे एक दर्जन पेड़े मुंह में ठूस दिए और फिर वही खाते खाते सो गया। हाँ, मगर तुम पेड़ा मत खाना। हाँ, व्रत है ना तुम्हारा, पूजा होने तक मत खाना, वरना तुम ये भी रीति रिवाज बदलोगी। 15 मिनट मैं खाऊंगी, 15 मिनट भगवान खाएंगे। अब चाची, अगर भगवान जी और पल्लवी की आपस में डील हुई है तो फिर उनके बीच की बात रहने दो ना। क्यों? आकाश, चाची जी मजाक कर रही है। चाची जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब कुछ बहुत अच्छे से होगा, देखना। हाँ। और पूरे अवस्थी खानदान के रीति रिवाज के साथ। वैसे ये फूल बहुत अच्छे चुने हैं। हाँ, मतलब ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी जी, मैं आती हूँ। हाँ,
सर ये देखिए पल्लवी मैम के इन एंड आउट टाइम, कभी भी आ रही है कभी भी जा रही है। तुम्हारा चेहरा क्यों उदास है? क्या बहुत ज्यादा काम पड़ रहा है क्या तुम पे? अरे नहीं नहीं चाची जी, ज्यादा क्यों का काम, घर की तो पूजा है। वही तो, कुछ गड़बड़ है कहीं, अजीब सी फीलिंग आ रही है। रिंकू, अरे ये क्या कर, ओहो ये रिंकू भी ना, रिंकू ये क्या कर रहा है तू बेटा? फूल अच्छे से सजा, देखो तू, देखो वाह वाह वाह, देखो हाँ करो अच्छे से। जिस बाप का इतना बड़ा जवान बेटा बेरोजगार बैठा हो, उस बाप के लिए खैरियत क्या, परेशानी क्या? आज नहीं तो कल्पिका को छुट्टी तो लेनी ही होगी काम धाम से। माँ बनना भी किसी नौकरी से कम नहीं है भाई, आपकी बेटी है, कल को आपका नाती आएगा, इन सबकी जिंदगी ही बेहतर बनेगी ना। बता दो की जरूरत कितने की? 50 लाख चाहिए होंगे। 100% हस्बैंड नहीं बन पाए लेकिन एक अच्छा बाप जरूर बनना चाहता हूँ। सॉरी टू से दिस बट आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है इतने बड़े अमाउंट के लिए। साडा प्रॉमिस है सर जी, 2 महीने से पहले आपको सारे पैसे आपके दिला देंगे, वो भी डबल। कैसे करूं वरुण की हेल्प? 2 महीने तक चिटफंड वाले पैसे नहीं दे रहे और बैंक वाले लोन भी नहीं दे रहे। कहाँ खोए हुए, बीच सड़क पे चल रहे हैं आप? वरुण तुम यहाँ? पर तनु कब से फोन कर रही है आपको, आपका फोन भी नहीं लग रहा है। तो दीपू को हॉस्पिटल लेकर गए हैं। क्या दीपू हॉस्पिटल में, कैसी है वो? कुछ पता नहीं पापा, उससे बात नहीं हो पा रही, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि हुआ क्या, सिर्फ ब्लीडिंग हो रही थी और दीपू कैसी है, बच्चा कैसा है, बेबी कैसा, कुछ समझ नहीं आ रहा पापा। तुम फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ चलता हूँ हॉस्पिटल में, दीपू को कुछ नहीं हुआ ना ही बेबी को। चल 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 चल। आज इस होटल के जीएम और हेड शेफ दोनों ही गायब हैं, इसलिए जो आज हम करने वाले हैं ये सबसे बड़ी मिसाल बनकर रह जाएगी कि होटल को लाइटली ना लिया जाए, होटल की रेपुटेशन का सवाल है। आज रात को 8 बजे फूड इंस्पेक्शन है, तब तक ये दोनों आ जाए तो ठीक है ग्रेट, वरना होटल का मैनेजमेंट इन दोनों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा और खास करके आकाश अवस्थी के खिलाफ, क्योंकि ये सब तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। सबसे बड़े नॉन सीरियस तो वही नजर आ रहे हैं। अपने पर्सनल रीजंस के लिए किसी को छुट्टी देना, इसे करप्शन कहते हैं, अनप्रोफेशनल बिहेवियर। कांट बिलीव दिस। एब्सोल्युटली सर, इनफैक्ट रुचि ने तो कितनी बार उन्हें कॉल ट्राई करके इन्फॉर्म करने की ट्राई भी किया बट नो रिस्पॉन्स। आज तो सच में गड़बड़ कर दी आकाश सर और पल्लवी ने, एक तो फोन भी नहीं उठा रहे। बस ऐसे ही मुझसे ट्रेनिंग लेते रहना, समझी? जी मम्मी जी। कम ऑन पल्लवी, फोन उठा प्लीज, वरना तेरे लिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं तो डरेगी कि कौन आ गया। वैसे दीदी ऑपरेशन चुड़ैल एकदम बढ़िया जा रहा है, होटल से लगातार फोन आ रहे हैं और मैंने तो खबर भी निकलवाई है, वहां बहुत बड़ा हंगामा भी हो गया है। अब पूजा के प्रसाद में पल्लवी को मिलेगी नौकरी पे लात। सिर्फ नौकरी ही नहीं, उसकी पहचान ही मिटा दूंगी। ना शेफ रहेगी, ना इस घर की बहू और ना ही आकाश की पत्नी, बस एक ही पहचान रह जाएगी, उसकी फेवरेट, अपने पापा की लाडली बेटी होने की। क्या बात है दीदी, वाह वाह वाह, आज आपने एक बार फिर से मुंबई जाने की अपनी टिकट पे दावेदारी साबित कर ही दी। बस जैसी है वैसी ही रही है। इस
सिंह मम्मी जी, ताई जी तो वो 8 बजे वाली शो वाली सास निकली। आप कौन सी सास निकली? अरे ये टीवी सीरियल वाली सासों का मुझसे क्या मुकाबला? वो जहाँ पढ़ती है ना, वहाँ का सिलेबस मैंने लिखा है। क्या बात है मम्मी जी? दीपिका और बच्चा दोनों ठीक हैं। मैंने पूरा चेकअप कर लिया है। दीपू, पापा, दी। फिकर मत करो, मैं आ गया हूँ। दीपू, कैसी है तू बेटे? पापा, डॉक्टर, क्या हुआ? देखिए, आप लोगों को कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी। प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड तो है, एंड लकीली बेबी ठीक है। बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। आप फ्लाइंग प्रोफेशन में है ना दीपिका? वही तो मेरा सबसे बड़ा डर है। फ्लाइंग आपके लिए और आपकी बेबी के लिए, दोनों के लिए अनहेल्दी है। एटलीस्ट आपको डिलीवरी तक तो एक ऑल्टरनेट ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं फ्लाइंग अलाउ नहीं कर सकती। आपका बेबी फाइटर है, लेकिन उसे उसकी मामा की हेल्प की बहुत जरूरत है। दीपू, दीपी तो हमारी फाइटर है ना पापा? वो कुछ भी कर सकती है। अगर दीपिका को जॉब छोड़नी पड़ी तो वरुण को तुरंत पैसों की जरूरत पड़ेगी। आज मेरे बेबी को बेबी की मासी ने बचाया स्कूटी ड्राइव करके। आपका फोन नहीं लगा जयदेव जी। अवस्थित परिवार हमारी बेटी पल्लवी के द्वारा प्लान की हुई पूजा में आपको आमंत्रित करता है, जरूर आइएगा। अपर्णा जी ने पल्लू को बेटी तो कहा। मैं आता हूं। पापा जी, समझ में नहीं आ रहा। पापा जी, डॉक्टर कह रही है कि दीपू को भी जॉब छोड़नी पड़ जाएगी। मैं स्ट्रेस हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पैसे कब? फिक्र मत करो बेटे, मैं हूं ना, कुछ ना कुछ इंतजाम करूंगा मैं। आकाश सर, पल्लवी मैम दोनों ही फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? हमें जितनी कोशिश करनी थी हमने की। अब फूड इंस्पेक्शन टीम तो यही चाहेगी ना कि उन्हें खाना हेड शेफ सर्व करे। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, आई डोंट नो क्या सोचकर इन दोनों ने छुट्टी ली। बात इनकी जॉब पर आ गई, और एक बार अगर जॉब गई तो हमारी इंडस्ट्री में रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक बार रेपुटेशन गई तो कहीं पर भी जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है। जय श्री राम। जय श्री राम पंडित जी। आप पंडित जी, आप पूजा की तैयारी कीजिए, हम सब अभी आते। अरे जयदेव जी। अरे नमस्ते जी। जयदेव जी नमस्कार, आइए ना, देखिए तो आज सारी पूजा की तैयारी हमारी पल्लवी ने की। पंडित जी, आज मैं बहुत खुश हूँ जो आपने पल्लवी को माफ कर दिया। पुरानी बातें पीछे छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, आइए। जयदेव जी, आप भी पल्लवी के ऊपर गुस्सा मत करना, आइए। अरे जी तेरे बेटे, जी तेरे। जी, आज की सारी तैयारी ना, सुना मैंने, पल्लवी ने की है। जी बहुत एक्साइटेड हूँ। आज पता है फाइनली वो कंप्लीट वाली फीलिंग आ रही है। आपको पता है हर साल ना पंडित जी मेरी टांग खींचते थे कि बेटा आप तो बड़ा हो गया है, कब तक पूजा में अकेले बैठेगा। पापा, आज की ये पूजा ना हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटे, सुबह जो कुछ भी हुआ ना उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। पापा प्लीज छोड़िए ना, अभी खुशी का माहौल है तो बस खुश खुश रहते। पापा, आपको पता है ये पूजा की जिम्मेदारी मम्मी ने पल्लवी को खुद दी है, और खानदानी कंगन भी धीरे धीरे पल्लवी को एक्सेप्ट कर रही है। मैं बहुत खुश हूँ पापा, मैं आपको बता भी नहीं सकता। आप बैठिए ना, कहता हूँ। आखिर पल्लू ने सबका मन जीत ही लिया, अब उससे गुस्सा नहीं रह सकता मैं।
पंडित जी ने जो बोला था वो सब तो रख दिया ना, सामान, गुरु दक्षिणा, कुछ छूट रहा है क्या? फोन, फोन नहीं देखा सुबह से, फोन कहाँ है मेरा? वैसे तो आकाश ने सब मैनेज कर ही लिया होगा, लेकिन फिर भी एक बार रुचि से बात कर लेती हूँ। चुप बैठो रिंकू। अरे जब लग ही नहीं रहा तो मत लगाओ ना, मैंने कहा ना मैं खुद से लगा लूंगा। ठीक है, अपने पापा जैसे जिद्दी बनो तुम और मुझसे बात नहीं करना, जो मन में आए ना वो पहनो। पल्लवी चाची का है। चाची? हाँ रिंकू? ऐसे कोई अपना फोन फेंकता है क्या? आपको नहीं पसंद तो मुझे दे दो, वैसे भी आपके फोन की स्पीड बहुत बढ़िया है। अपना वीडियो गेम खेल लूंगा। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? फोन में पड़ा था, कब से बजे ही जा रहा था। थैंक यू रिंकू, मैं कब से अपना फोन ढूंढ रही हूँ। थैंक यू चाची, उल्टा है। काश सर और तू बड़ी प्रॉब्लम में हो। चलो गाइस, जल्दी से पेंट्री चेक कर लो और तू जाके ना फ्रिज चेक कर ले, सब कुछ एकदम साफ होना चाहिए। पल्लवी होती तो छुट्टियों में सब कुछ क्लीन कर देती। चलो चलो गाइस, जल्दी से काम पर लग जाओ। पल्लवी? हेलो पल्लवी। हेलो रुचि, तेरा मैसेज देखा था, क्या हुआ? वो घर में इतना काम था मैम। यार तू कहाँ थी सुबह से? तुझे पता है मैंने तुझे और आकाश सर को कितना कॉल किया? यहाँ ना सब कुछ गड़बड़ हो गया है। तुझे पता है यहाँ पर क्या कांड हुआ है? मेरी स्पेशल गेस्ट ने आज टेबल बुक किया है हमारी हेड शेफ पल्लवी की सिग्नेचर मेन्यू के लिए, और हेड शेफ ही गायब। क्या जीएम और हेड शेफ ये दोनों का यहाँ एब्सेंट रहना रोजाना है? यस सर। देख, मैं नहीं जानती कि तेरे घर पे क्या प्रॉब्लम है और कितनी इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ ना सब कुछ गड़बड़ हो गया है। एक अगर तू और आकाश सर नहीं आए ना तो अब तू देख ले यार क्या करना है। रुचि, आप अपनी धर्म पत्नी को बुला लीजिए, मुहूर्त का समय हो गया है। जी पंडित जी। आवाज मत दो, जाके बुला लो। हाँ गॉड, अब मैं क्या करूं? ये तो आकाश की जॉब पे बात आ जाएगी, पूरी फैमिली उस पर डिपेंड है ना, सब लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। क्या करूं क्या करूं? पल्लवी, बहुरानी पूजा के लिए पंडित जी बुला रहे हैं। मैंने कुलगुरु महाराज को बुलाया है, बहुत दिनों से छोटी सी पूजा करवाना चाहती थी कुल देवी की। अब शादी हो गई है तो ये पूजा तो तुमको करनी पड़ेगी। यहाँ ना सब कुछ गड़बड़ हो गया। देख अगर तू और आकाश सर नहीं आए ना तो पल्लवी, पल्लवी कहाँ गई हमारी नागिन बहू? कहीं वॉशरूम में तो नहीं है? पल्लवी, पल्लवी, ओ पल्लवी, दीदी, 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 गजब हो गया, गजब हो गया। कुसुम, 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 ड्रामा बंद करो, सीधे सीधे बताओ हुआ क्या है? सब क्या? अरे दीदी सब नष्ट हो गया। देखिए पूजा का दिन है, इतना बड़ा दिन है और बहू, हमारी बहू कमरे में नहीं है, वो भाग गई। सुबह ही कहा था उसे कि ये कुलदेवी की पूजा है, सबसे जरूरी पूजा है, आकाश की बेहतरी के लिए करते हैं, मगर देखिए आपकी बहू ने ये क्या कर दिया, वो पूजा से भाग गई।
सबसे अच्छी बात यही है मेरी बहू की, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, खुद ही अपने गड्ढे खोद लेती है। अब भगवान जाने कहां गई है। पूजा आकाश के लिए थी, और अगर आज मैं नहीं गई होटल आकाश को ही सबसे ज्यादा नुकसान होगा। आज भगवान शायद यही परीक्षा ले रहा है। आकाश की भलाई चाहिए तो आकाश की नौकरी बचाओ, उसी से पूरे परिवार का भला होगा। अच्छा आप क्या बोल रही है, ऐसे कैसे कहीं भी चली जाएगी? अब प्लीज पहले शांत हो जाइए, आप ओवर रिएक्ट कर रही है। पल्लवी कहीं नहीं गई है, घर पे कहीं ना कहीं होगी। ये सब अरेंजमेंट उसी ने किया, अभी तो यही थी। अच्छा तो फिर अगर वो कहीं अंतर ध्यान हो गई हो, या फिर उसके पास कोई दिव्य शक्ति आ गई हो जिसकी वजह से वो अदृश्य हो गई है भाई, तो फिर मुझे पता नहीं। चाची ये पूजा कितनी जरूरी है उसे भी पता है, पल्लवी कहीं नहीं गई होगी। पल्लवी, पल्लवी कहाँ जा सकती है, अभी तो यहीं थी। भाई मुझे तो कहीं नहीं दिखी, तुमको ढूंढनी है तो जाके ढूंढ लो। अगर घर पे नहीं है तो कहाँ चली गई? पल्लवी कभी ऐसा नहीं कर सकती। नहीं करती, हम कहाँ कह रहे कि वो करती हैं, मगर बाकी मामलों में जब बाहर जाना होता है, पार्टी शार्टी करनी होती है, तब बिल्कुल नहीं करती। क्या है वहां ना, उसे मसाला मिलता है, झगड़ा करने को मिलता है कि नहीं? ये पूजा उजा उसको कहाँ पता ये सारी चीजें, क्योंकि उसके घर में इन चीजों की उसे आदत ही नहीं है। देखिए बात ऐसी नहीं है, आप तो फिर कैसी है, दिख रहा है ना सब कुछ, हाथ कंगन को आरसी के आपकी नजरों के सामने है सब कुछ। जबकि दीदी ने आज सुबह ही कहा था कि ये कुलदेवी की पूजा है और हमारे घर के लिए बहुत जरूरी होती है, फिर भी आपकी बेटी की वजह से आज ये पूजा अधूरी रह जाएगी। देखिए बुरा मत मानिए भाई साहब, इसके पहले भी शायद मैंने आपसे ये बात कही थी, याद दिला देती हूँ आपको। क्या है ना, आप एक बाप है और एक बाप से जितना बन पाया, जितना आप सिखा पाए, आपने सिखाया, मगर अगर यहाँ एक माँ होती ना तो एक माँ ये सब ना होने देती। भैया बहुत लेट हो रहा है, थोड़ा प्लीज बोलिए ना। मैडम ट्रैफिक लगा है आगे, मैं क्या करूं? यहाँ तो बहुत ट्रैफिक है, मुझे जल्दी होटल पहुँचना है। टाइम क्या हो रहा है? 7:45 हो गए मैडम। हे भगवान 8 बजने वाले हैं, ऐसे तो डेडलाइन मिस हो जाएगी मेरी, क्या करूं? कुसुम बस हो गया, तुम्हारी जबान रपटने लगती है तो लंबी चली जाती है, क्या बकवास बोल रही हो तुम? देखिए जब मैं सुनता हूँ तो मैं सुनता हूँ, और अगर मेरी गलती हुई है ना कहीं पर भी तो मैं माफी मांगता हूँ, एक बार नहीं 10 बार माफी मांगूंगा। लेकिन ये जो आप कह रही है ना, बात ऐसी नहीं है, ये आधा सच है, ये तो सच ही नहीं, ये आपके ख्याल में है ये बातें। अरे मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। माना कि मेरी बेटी या नहीं है पूजा, पर अगर या नहीं है ना, कुछ तो वजह होगी ना, तो बेहतर यही होगा कि पहले उससे पूछ तो ले कि बात क्या है, और बाकी रही बात माँ होने की, तो मैंने जो कुछ भी किया है ना सही किया है, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं मैंने, और बार बार मैं अपनी पत्नी के ध्यान के लिए कड़घरे में खड़ा नहीं हो सकता। अरे हम सब उससे मिस करते हैं, अगर वो यहाँ हमारे साथ होती तो हम सबको बहुत अच्छा लगता। बाकी आपको जो सोचना है ना आप सोच सकती है। सोचना क्या है, दिख तो रहा है सर। उस समय बस भी करो तुम। अरे क्या बस, आप मुझे ही बस करा रहे हैं। इनकी बेटी है जो पूजा अधूरी छोड़ के भाग गई है, उसका क्या, फिर भी कुछ ना बोले हम। अरे दीदी है, शांत स्वभाव की है, इसलिए वो चुप है, और इसी चीज का ना फायदा उठा रही है वो लड़की। अगर मैं उनकी जगह होती ना तो ये बिल्कुल ना होने देती। हाँ पर कहीं कहाँ होगी पल्लवी, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि उसकी जॉब जाने वाली है और वो जॉब बचाने चली गई। यहीं उतर जाती हूँ, ये लीजिए, थैंक यू। अभी मेरा होटल पहुँचना बहुत जरूरी है। Welcome, sir. Oh, hello. Hello, sir. Mr. Thakur. Ajit.
I'm so glad sir आप आए. आप ही का इंतजार हो रहा था. Hello sir. Good to see you sir. पल्लवी कहाँ रह गई? कितनी देर पहले बताया था उसे, अभी तक पहुंची नहीं. हिना, आइए सर. Sure sir. So please come. Have a seat sir. शेफ पल्लवी आई हैं. इन्हें अगर बताया कि पल्लवी अभी तक आई नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी. आई है ना सर, वो उसकी शिफ्ट ना 8 PM की थी तो एक्चुअली सिस्टम में भी ना शो नहीं हो रहा था, शायद कोई कंफ्यूजन हो गया था. एक्सक्यूज मी सर. सर 7:55 हो रहा है, फिर तो वो अंदर ही होगी. In that case, चलिए किचन में जाके मिलते हैं. हाँ चलिए सर. मिस्टर ठाकुर. चाची वॉज राइट, पल्लवी यहाँ नहीं है. कॉल करो सर. मेरा फोन? मेरे फोन से कर ले. किसका फोन है? पल्लवी का फोन. इसका मतलब पल्लवी होटल गई है. आई बिलीव इट. इतना समझाया मैंने, मना किया, सब कुछ मैनेज कर लिया, लेकिन फिर भी. हाँ आकाश रिलैक्स यार, जब आएगी तो आराम से बैठ के बात कर ले. अरे क्या रिलैक्स भैया, पल्लवी का कुछ पता चला? अपना फोन यहीं छोड़ के गई है पापा. मिस कॉल देख के मुझे समझ में आया कि पल्लवी पूजा छोड़ के होटल गई है. दिस इज नॉट डन पापा. ऐसी पोजीशन में डाल देती है मुझे, अब आप ही बताइए कैसे संभालूं मैं बाहर सबको. मैंने उसे बोला था कि मैं बॉस हूँ, मैंने होटल में सब मैनेज कर लिया, लेकिन नहीं, उसके खुद की जिद के आगे तुम. कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इमरजेंसी आ गई हो होटल में, वरना अपना फोन यहाँ छोड़े वो कैसे जा सकती है पापा. लेकिन आकाश अंकल ठीक बोल रहे हैं, वरना इतना सब कुछ अरेंज करके ऐसे क्यों चली जाएगी. नहीं भैया आई एम सॉरी, लेकिन आज मैं किसी की नहीं सुनूंगा. अब तक मैंने उसकी हर बात मानी है और आज मैंने सब कुछ मैनेज किया था होटल से लेके घर तक. आज तो कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकती थी. आज अगर कोई गलत है तो पल्लवी है पापा. बात छोटी नहीं है, मम्मा ने पहली बार उसके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस दिखाया था, उसे घर की सबसे इंपॉर्टेंट पूजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, सब कुछ मैनेज करने के लिए दिया था, सब कुछ मैनेज हो भी गया था, लेकिन अचानक ऐसे बिना किसी से बोले फिर से गायब है. आप ही बताइए पापा, ऐसे रिश्ते कैसे सुलझेंगे. पूजा शुरू करते हैं. पल्लवी? पल्लवी होटल गई है, वो नहीं है और नहीं आएगी. लेकिन जयदेव जी आप तो जानते हैं ना ये पूजा कितनी इम्पोर्टेंट है. आकाश अभी अभी अटैक से, इतने बड़े ऑपरेशन से बाहर निकला है, खास इसके लिए रखवाई थी ये पूजा. जब तक बेटा माँ के सपोर्ट होता है माँ करती है ये सब, लेकिन इसके आगे का धर्म तो पत्नी को ही निभाना चाहिए ना. हो सकता है पल्लवी इन रीति रिवाजों में ना मानती हो, पर अपने लिए ना सही परिवार के लिए बैठ जाती. आज मैंने व्रत नहीं रखा ये सोचकर कि बहू कर लेगी सब. मैं भी नहीं बैठ सकती पूजा में, खंडित हो जाएगी. नहीं आप मुझे एक बात बताइए, आप ठीक से मेन्यू भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हैं. क्या खोल रखा है आपने, होटल खोल रखा है या धर्मशाला? मेन्यू एक्सप्लेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारे हेड शेफ की है और वो तो यहाँ पर है नहीं. तो आकाश अवस्थी और ये पल्लवी मियां बीबी मिलकर मेरी बैंड बजवाएंगे. इन दोनों को अब मुझे जॉब से निकालना ही होगा. जयदेव जी मेरा कहना सिर्फ इतना है, पल्लवी मुझे बता देती कि मम्मी जी मत रखिए पूजा, मैं नहीं बैठ पाऊंगी, मुझे होटल जाना ज्यादा जरूरी है. बस आप प्लीज परेशान मत होइए, पल्लवी नहीं है तो ना सही, अकेले करूंगा ये पूजा.
पंडित जी मंत्र शुरू करिए। काश तो क्या कर रहा है बेटा? वही कर रहा हूँ जो सही है माँ। आपने ये पूजा सबको बता के रखी है तो पूजा जरूर होगी। जजमान जी ये पूजा अकेले नहीं हो सकती, पत्नी का होना बहुत अनिवार्य है। पल्लवी तुमने ये ठीक नहीं किया। शाबाश पल्लवी, अपने रिश्ते को बचाने का सबसे अच्छा मौका गवा दिया तुमने। अब ये गेम पूरी तरह से मेरी है। इस रिश्ते को तुम अब कभी सुधार नहीं पाओगी पल्लवी, कभी नहीं। मुझे सब ठीक करना होगा, मौका ढूंढ के अंदर जाना पड़ेगा। अगर मैंने ये मौका गवा दिया तो आकाश की जॉब चली जाएगी जो हमारी फैमिली के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं, मैं ये मौका नहीं गवा सकती। पंडित जी मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे सर पे मेरी माँ का हाथ है। अभी भी मेरी माँ कई सालों से मेरे लिए पूजा रखती आई है, और अगर आज भी मेरी माँ मेरे लिए पूजा करना चाहती है तो ना बहुत है मेरे लिए। पूजा मेरे ख्याल से इंटेंशन की बात होती है। मेरी माँ मेरी केयर करती है, मेरा ख्याल रखती है, उतना काफी है। तो और कोई इस पूजा में हो ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा परिवार यहीं पर है, मेरी माँ यहाँ पर है। आप प्लीज पूजा शुरू कीजिए। जी ऐसा क्या हो गया पल्लो के साथ जो उसे इतनी इंपॉर्टेंट पूजा छोड़ के जाना पड़ा? मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके जीएम नहीं होंगे तो ये होटल क्रम्बल कर जाएगा। आप लोगों को तो बेसिक क्वेश्चंस के आंसर भी नहीं पता, फ्लोर प्लानिंग, मेन्यू शेड्यूलिंग, कुछ भी नहीं पता। गुड इवनिंग सर। मैं पेंट्री में आप लोगों का वेट कर रही थी लेकिन फिर पावर चला गया तो मैं ट्रेले के बाहर ही आ गई। आप ही हेड शेफ है क्या? यस सर। तो आपको मेन्यू पता है? ऑफ कोर्स सर, मेन्यू शेड्यूलिंग मैं ही करती हूँ, आकाश सर उसे अप्रूव करते हैं। सर हमारी स्पेशलिटी है टू बी एबल टू सर्व डिफरेंट कुजींस। हम कोशिश करते हैं हर फोर्थ नाइट 5 से 6 कुजींस कवर करें। एक और स्पेशलिटी है हमारी जिसकी वजह से हम बहुत जाने जाते हैं, इंडो फ्यूजन, which is our regular feature for the whole month. आज क्या है? Sir, आज का menu थोड़ा सा unique and special है। लोगों को ऐसा लगता है कि लौकी ना बीमारों का खाना होती है, लेकिन simple लौकी से हमने variety of dishes बनाई है, without compromising the health benefits. So, presenting to you, लौकी pasta, 3 types of लौकी dessert, and we have लौकी स्पेशल खीर। टाइम दिख रहे हैं आपको? आपके पति आकाश अवस्थी अब तक होटल नहीं पहुंचे। पल्लवी वी नीड टू टॉक अबाउट दिस। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रारंभे निर्विघ्नमस्तु वसुदेवसुतं देवं। वाह बहुत ही अच्छा खाना था, स्पेशली लौकी को भी इस तरह यूज कर सकते हैं, ये हमने नहीं सोचा था। वेल डन पल्लवी जी। थैंक यू सर। सर होटल मैनेजमेंट वगैरह से प्रोसेस तो सीख ली थी लेकिन मेरे असली इंस्पिरेशन मेरे पापा ही है। वो बचपन में ये सब बहुत ट्राई करते थे जब मैं छोटी थी। So, Mr. Thakur, I am happy with the food. Thank you so much, sir. And I think, शहर की सबसे अच्छी शेफ एस्टन में ही है। Thank you, sir. Well, girls, in that case, हमारे गेस्ट को किचन और पेंट्री ले जाइए हमारे होटल के इंस्पेक्शन के लिए। आइए सर, प्लीज। टीना यस।
पल्लवी। सर, मिस्टर जीएम ने ही मेन्यू अप्रूव किया था। मैं जानती हूँ आप उनसे नाराज हैं, लेकिन अपना सारा काम खत्म करके और अपना सारे इम्पोर्टेंट टास्क कंप्लीट करके ही वो यहाँ से गए हैं। आई एम सॉरी पल्लवी, आपने अपनी जॉब तो बचा ली पर आकाश अवस्थी उसे नहीं बचा पाएंगे। आई एम सॉरी। तो फिर मुझे भी ये जॉब नहीं करनी सर। आप हमें आम ट्विस्ट कर रही हैं। अपनी थोड़ी सी तारीफ जो सुन ली पल्लवी आप। मैं तारीफ को कभी सर पे नहीं चढ़ने देती सर। जिस होटल में एम्प्लॉइज के साथ कैसे पेश आना है, उनकी वैल्यू कैसे करनी है, यही नहीं पता। उस होटल में मैं काम नहीं कर सकती। वेल, इन दैट केस छोड़ दीजिए, अभी छोड़ दीजिए अपनी जॉब। ऑफ कोर्स सर, अभी छोड़ दूंगी। सर, मुझे ऐसे होटल में काम नहीं करना जहाँ पे एफर्ट्स को आसानी से नजरअंदाज कर दिया जाए। सर, कुछ दिन पहले ना आपके इस होटल में टेररिस्ट अटैक हुआ था। मिस्टर आकाश अवस्थी ने अपनी जान पर खेलकर अपने स्टाफ, अपने गेस्ट सबकी जान बचाई। सर, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या उनकी जॉब में नहीं आता, लेकिन फिर भी उन्होंने किया। मिस्टर आकाश अवस्थी ने ना केवल टेररिस्ट अटैक में इस होटल की रेपुटेशन बचाई, बल्कि अपनी ड्यूटी से ऊपर जाके सारे होटल्स के सामने एक हॉस्पिटैलिटी का बेंचमार्क सेट किया है। सर, जिसे सारे न्यूज चैनल ने कवर किया है, इंटरनेट, सोशल मीडिया, टीवी, न्यूज़पेपर, हर जगह सिर्फ और सिर्फ हमारे होटल की प्रशंसा हुई है। इससे बड़ा माइलस्टोन और क्या हो सकता है सर। आकाश ने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो इस होटल को अपना मानता है। सर, आपको पता है टेररिस्ट अटैक के बाद आकाश ऑलमोस्ट कोमा में जाने वाला था, जिसकी वजह से उसे अभी तक पेन किलर्स लेनी पड़ रही है, रात में सो नहीं पा रही। पल्लवी, लेकिन फिर भी उन्होंने होटल ज्वाइन किया है सर। मैनेजमेंट को ये सब नहीं दिखेगा। वो मेरे पति जरूर है, लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि वो एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है जिन्होंने अपनी ड्यूटीज आपके रूल्स के बियॉन्ड जाकर पूरी की है। सर, आई एम प्राउड ऑफ माई हस्बैंड, आई एम प्राउड ऑफ द मैन दैट आकाश अवस्थी इज। और जहाँ ऐसे इंसान की कदर ना हो वहां मैं काम नहीं कर सकती सर। आई कैन अंडरस्टैंड पल्लवी, आई एम सो सॉरी। सी, हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में इतना कंपटीशन है कि हम काफी बातें भूल जाते बेटा। पल्लवी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैनेजमेंट में डिसिप्लिन होता है, अनुशासन भी तो होता है। यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। उसे कह देना दोबारा उसे छुट्टी चाहिए तो मुझसे प्रायर अप्रूवल ले ले। यस सर। और आइंदा इस होटल में कोई नहीं भूलेगा कि आकाश ने हमारे लिए क्या किया है। थैंक यू। हैप्पी, सी यू टुमारो। क्या नहीं किया तुम्हारे लिए पल्लवी, और तुम इस तरह हमारे रिश्ते को ट्रीट करोगी? वाई वाई पल्लवी वाई? क्योंकि मैं इस समय इतनी जल्दी घर नहीं पहुंच पाऊंगी रुचि, और मुझे आकाश के लिए पूजा करनी है। कर्म वाला पार्ट तो निपट गया, बस आई होप कि माता रानी मेरी पूजा एक्सेप्ट करे। एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल पल्लवी, तुम बोलती कुछ हो करती कुछ हो, इतना मुश्किल करती है तुमने कि कुछ समझ ही नहीं आता। सिर्फ मेरा आकाश ही मुझे समझ सकता है माता रानी। ऐसा कभी ना कि मैं उसे डिसअपॉइंट करूं। पल्लवी, ऐसा लग रहा है इस रिश्ते को निभाने की सारी कोशिश सिर्फ मेरी है। हमारा रिश्ता अनूठा है, बिना मांगे ही उसने मुझे सब कुछ दिया। अब हमेशा उसकी रक्षा करना, उसे जीवन में हर तरह की सक्सेस मिले। मैं हार गया पल्लवी हमारे इस रिश्ते को निभाने में। माता रानी, आकाश को वो सब देना जो वो डिजर्व करता है, और मुझे हिम्मत देना कि मैं उसके सुख दुख में उसके साथ रह सकूं। ये साथ शायद हम निभा ही नहीं पाएंगे। शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। माता रानी, मेरा सब कुछ मेरा आकाश है। मैं अपने रिश्ते को कभी टूटने नहीं दे सकती।
पंडित जी, आज पूजा में जो भी विघ्न आए, कोई भूल चूक हुई हो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। कोई बात नहीं, जय सियाराम। जय सियाराम। बज गए, रेशम बहू शो आने का समय भी हो गया, मगर पता नहीं हमारी बहू कब आएगी। दीदी एक बात बोलो, क्यों ना हम हमारे घर का नाम अवस्थी सदन छोड़ के अवस्थी होटल कर दे। मतलब कोई भी आए, कभी भी आए, खाए नहाए धोए और चले जाओ, है ना। कुसुम, क्योंकि स्विच ऑफ का बटन है भी या नहीं, हा? बस करो, बस बस। आकाश, तूने पल्लवी की वजह से व्रत रखा हुआ है बेटा, अब तो कुछ खा ले, तुझे दवाई खानी है। खाली पेट दवाई नहीं खाते। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। आकाश वेट, आज इतना कुछ हुआ? रुको पल्लवी, आज घर में पूजा थी, तुम्हें बता कर रखी थी। मम्मी जी, मुझे पता है आप मुझसे नाराज होंगी, शायद बाकी लोग भी हैं, लेकिन आज सच में बहुत प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम? नाराज नहीं बेटा, कोई नाराज नहीं, मैं तो नहीं, क्योंकि नाराज होने के पीछे हमेशा मान जाने की संभावना होती है। मान जाने की संभावना ही नहीं बची तो नाराजगी कैसे। मुझे तो घिन आ रही है तुमसे, नहीं खुद से गुस्सा आ रहा है खुद पर कि मैं इस शादी के लिए मान कैसे गई। तुमने आज जो भी किया है उससे हमें ये तो समझा दिया कि हमारी क्या हैसियत है तुम्हारी नजरों में। मुझे इस बात का अंदेशा था, मगर फिर लगा कोई बात नहीं, आकाश से तो प्यार करती हो, उसकी तो केयर करती हो, इसी के लिए रखी थी आज की पूजा, और तुमने उसको भी उसकी वैल्यू बता दी। इस बार ये जंग तुझे अकेले लड़नी पड़ेगी, ये तेरे आंगन की लड़ाई है, मैं बीच में नहीं पड़ सकता। नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है, मैं जो है वो दिख चुका है। सब एहसास करवा दिया तुमने पल्लवी, तो आज एक बात साफ कर लेते हैं। सीधा सवाल करूंगी, तुम्हारे लिए ये घर, यहाँ के रीति रिवाज, ये पूजा कोई मायने भी रखते हैं या नहीं? प्लीज मम्मी जी, मुझे आप एक बार एक्सप्लेन करने दीजिए। होटल में आज होटल जो यही सुनना चाह रही थी तुम्हारे मुंह से मैं पल्लवी, तुम्हारी सच्चाई। आकाश की लाइफ, आकाश के फ्यूचर से ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हें तुम्हारा होटल, वहां की नौकरी, और एक तरफ आकाश, जब तुमसे शादी भी नहीं हुई थी, तुम्हारी जान बचाने के लिए उसने अपनी जान दांव पे लगा दी बिना कुछ सोचे, और एक तरफ तुम हो पल्लवी, जो आकाश की परवाह किए बिना अपने होटल, अपनी नौकरी, उसके पीछे भाग रही हो। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। आकाश प्लीज, एक बार अपना फोन चेक करो। देखो और इसी के साथ हम फिर बने चैंपियन। इस वक्त तो धम 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 म्यूजिक होना चाहिए था। मैंने कहा था इस बार माफी की कोई संभावना ही नहीं होगी। दीदी,
बाप हूं, इसलिए जो मौका बाकी ने तुम्हें नहीं दिया मैं तुम्हें दूंगा। पल्लवी मुझे बस इतना बता दे कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो तुम यहां पूजा के लिए रुक नहीं पाई। दीदी दीदी मैं तो डरी गई थी, मुझे लगा पता चल गया उसी जॉब वाली। बस शांत, दीवारों के कान होते हैं, तुम उसकी बातें सुन लेती हो ना। किसी दिन उसने तुम्हारी बातें सुनी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये तो पहले दरार है। वाह दीदी मजा आ गया, पहली दरार की पहली मिठाई। आपको बताया आकाश ने उससे एक बार भी बात नहीं की। ये हवन है कुसुम, अपने बेटे को इस गर्त से निकालने का हवन। इसकी आग में कभी कम नहीं होने दूंगी। मुझे लगा ही था कुछ तो बात जरूर हुई होगी जिसकी वजह से तुम पूजा छोड़कर होटल चली गई थी। बाकियों को ऐसा लग रहा है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है उन सबको नीचा दिखाने के लिए। आकाश को भी ऐसा ही लग रहा है, तुमने सबका गुस्सा देखा ना, पता नहीं भगवान क्या परीक्षा ले रहा है तुम्हारी। मैंने ना पहली बार आकाश को इतने गुस्से में देखा। सिर्फ गुस्सा नहीं पल्लवी, बहुत हर्ट हूं तुमसे। तुम ऐसी गलती कैसे कर सकती हो? तुमने सिर्फ एक गलती की है, तुम्हें आकाश को बताकर जाना चाहिए था। पापा आकाश को बताती मैं तो जाने देता वो मुझे। सुबह से कह रहा था कि सब कुछ कंट्रोल में है, सब संभाल लिया है मैंने। सब संभाल लिया था तो होटल में इतनी गड़बड़ कैसे हो गई? उसकी जॉब जाने वाली थी और पापा इस फैमिली के लिए उसकी ये जॉब बने रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब वो कभी नहीं सोचता, इम्पल्सिव है ना, बस उस वक्त जो दिखता है वही करता है। दिल का साफ है, बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। एंड ऑनेस्टली पापा इतने प्रेशर में भागी हूँ ना मैं फोन भी घर पे भूल गई। मैं समझ सकता हूँ बेटे। आई नो वो इस वक्त गुस्से में है, लेकिन मैं उससे भी यही पूछूंगी कि क्या वो मुझे जाने देता। मम्मी जी या बाकी बड़े गुस्सा हो समझ में आता है, लेकिन आकाश वो तो मेरा हस्बैंड है ना, उसे तो समझना चाहिए ना पापा। That's what शादी means, कि दो लोग एक दूसरे को समझे, right? बेटे इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो, वो भी गुस्से में है, और अगर इस वक्त तुम दोनों बात करोगे ना तो मामला बिगड़ सकता है। सब बिगड़ गया। क्या हुआ मॉम, आप रो क्यों रही है? मुझे लग रहा है आकाश की मैं ही जड़ू। तेरे और पल्लवी के रिश्ते जो खराब हो रहे हैं उनकी वजह बनती जा रही। नहीं मॉम प्लीज आप ऐसा मत बोलिए, आपकी कोई गलती नहीं है। आप क्यों ऐसा सोच रही है? और क्या सोचूं आकाश, पल्लवी नए जमाने की लड़की, पुराने रीति रिवाज बदल रही। तो मुझे ही सोचना चाहिए था ना कि उसे ये पूजा वगैरह की इम्पोर्टेंस नहीं पता होगी, नहीं रखनी चाहिए थी ये पूजा। बेटा वो गुस्से में है और ये सारे प्रॉब्लम्स के लिए तुम्हें ही ब्लेम करेगा। ऐसा थोड़ी होता है पापा, आई डोंट थिंक आकाश ऐसा कुछ करेगा, वो समझेगा मेरी बात, अच्छा थोड़ी है। आज एक बात तुम्हें बताता हूँ बेटा, तू तो जानती है कि मैं लड़का और लड़की में कभी फर्क नहीं करता, लेकिन बेटा भगवान ने तो किया है। मैं खुद मर्द हूं इसलिए बेटा मैं तुम्हें ये बातें बता सकता हूँ। लड़के ना अलग तरीके से सोचते, उनकी सोच हमेशा सही नहीं होती, वो लोग बस बहुत ही इमेच्योर होते हैं, टाइम लगता है उन्हें समझने में। पर लड़कियां जैसे कि तुम बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है, समझदार हो जाती है, जिम्मेदारियां संभालने लगती है। पर हम आदमी, हम लड़के, हम इमोशंस के साथ डील करना नहीं जानते बेटे। या तो बिल्कुल चुप हो जाते हैं या तो ज्वालामुखी की तरफ फट जाते हैं।
वो चाहे प्यार की बातें हो या फिर गुस्सा, इस वक्त अगर तू जाके उसे कुछ भी बोलेगी ना, तो मैं लिख के दे सकता हूं, बात बनेगी नहीं, बात ज्यादा बिगड़ेगी, क्योंकि वो और गुस्सा होगा। आपने कुछ नहीं किया। आकाश, मेरी गलती है, मेरी गलती है। मैं भी वर्किंग वुमन रही हूँ सारी जिंदगी, बैंक में काम करती हूँ, लेकिन मेरे लिए मेरी फैमिली सबसे पहले आती है। पर आजकल की लड़की ऐसा नहीं सोचती, उनके लिए उनकी जॉब, उनका करियर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। पल्लवी के लिए भी ये घर, परिवार, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मुझे समझना चाहिए था, मेरी गलती है। माँ, आपकी कोई गलती नहीं है, अब प्लीज खुद को ब्लेम करना बंद कीजिए। मेरा गुस्सा सिर्फ पल्लवी से है। आज जो भी हुआ है माँ, उसकी उसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ पल्लवी की है। लेकिन पूजा करवाने की जिद तो मेरी थी ना आकाश। जिद नहीं माँ, इच्छा थी आपकी। पल्लवी मेरी पत्नी होने के साथ साथ इस घर की बहू भी है, तो उससे जो भी उम्मीदें हैं उसे वो पूरी करनी होगी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.